गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वृद्धि और विकास का, आज क्लास नंबर 4। इसके पहले आपने क्लास 1, 2, 3 जो है उसको पढ़ा, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। देखिए क्लास 4 में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा, कि आखिर विकास होती है तो क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वांगीण की बात करता है, यानी जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सब में जो परिवर्तन होता है वह सारा का सारा विकास कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विकास का तात्पर्य जो होता है, विकास का तात्पर्य जो होता है वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई, नैतिक और नैतिक परिवर्तनों के अनुक्रम से जो शुरुआत कब से होता है, मानव में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होता है। कब तक होता है? मृत्यु तक जीवन होता है। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है वह एक तरीके से कहा जाए तो न केवल फिजिकल बल्कि यह जो होता है ओवर ऑल चेंजेस की बात करता है, यानी शारीरिक के साथ साथ संपूर्ण विकास की या संपूर्ण परिवर्तन की बात करता है। विकास जो टर्म होता है उसकी शुरुआत गर्भधारण से ही हो जाती है और मृत्यु तक चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे बाहरी तौर पर भी होता है और आंतरिक तौर पर भी होता है। नहीं, क्योंकि वृद्धि जो होता है वह भी विकास नहीं, क्या होता है, छोटा सा पार्ट। अब आज जो हम लोग बात करेंगे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास के क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखिएगा विकास का क्षेत्र, जो विकास होता है ना दो तरीके का होता है, एक होता है मानव का विकास और एक होता है बालक का विकास। तो चूंकि हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत जो पढ़ते हैं वह किसको पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल विकास। तो बालक का विकास कब तक, किशोरावस्था तक, बच्चे का जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया गया, जन्म से पहले प्रसव पूर्वावस्था से, उसको हम लोग विकास के क्षेत्र में देखते हैं। अब विकास का क्षेत्र जो होता है 6 आयामों में होता है, 6 क्षेत्रों में होता है। जैसे पहला अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा शारीरिक, पहला कौन सा क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र। दूसरा बात करें तो मानसिक है, नहीं दूसरा कौन हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, और ठीक है मानसिक। और तीसरा जो होता है वह होता है आपका भाषाई, ठीक है, ये हम क्रम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सामाजिक होता है, 6 क्षेत्र लिख रहे, क्रम अपना देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नैतिक विकास, जिसको चारित्रिक विकास भी आप लोग बोलते हैं, और एक होता है भावनात्मक विकास, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्रों में विकास होता है किसी भी बालक का, किसी भी बालक का जो विकास का क्षेत्र होता है। कितने क्षेत्र होते हैं उसके, 6 क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक। तो आइए सारे क्षेत्र को हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक क्षेत्र की, बालक के विकास का कौन सा क्षेत्र, शारीरिक विकास। देखिए बालक के जो शारीरिक विकास होता है उसकी शुरुआत जनरली कब से हो जाती है, तो उसकी शुरुआत जो होती है प्रसव पूर्व अवस्था से ही हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि भ्रूण के समय से ही हो जाती है, भ्रूणा अवस्था से ही हो जाती है। जब
मेल और फीमेल नहीं मिलन होता है, तो उसके बाद जो जायगोट बनते हैं उसी समय से क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है किसका, शारीरिक विकास का। बच्चे का जो जन्म होता है जनरली उस समय वजन की बात करें तो आता है अढ़ाई से कितने केजी का, 4 केजी का, ठीक है। जनरली इसका एवरेज जो होता है अढ़ाई से 4 केजी, भारत में देखा जाता है जनरली बच्चा अढ़ाई से 3.5 केजी, ढाई से 3.5 केजी, यानी जनरली यहाँ पर एवरेज अगर बच्चा की बात करें तो 3 केजी का होता है। भारत में जनरली बच्चा कै केजी का होता है, 3 केजी का। और जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका के बच्चे जो होंगे से करीब करीब 3.5-4 केजी के होते हैं, तो 2.5 से 4 केजी होता है। पौंड में कहा जाए तो कितने पौंड होता है, 7 पौंड होता है, नहीं तो ये होता है शारीरिक क्षेत्र, यानी शारीरिक क्षेत्र बच्चे में शारीरिक क्षेत्र का विकास सबसे पहले होता है। सबसे पहले किसका विकास होता है, हमारा शारीरिक नहीं, और उसके बाद जब शरीर का बच्चे का विकास हो जाता है तो उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है कौन सा आता है, संज्ञानात्मक, तो जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, इसी को मानसिक भी बोल सकते हैं क्या, मानसिक नहीं बोल सकते, मानसिक बोलते हैं कि नहीं बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे, तो ये है संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञान नहीं शारीरिक संज्ञानात्मक, ठीक है, मानसिक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है पी, इधर है सी, उसके बाद आता है एम, उसके बाद आता है आपका एस आता है, चौथा पर कौन आता है, एस, यही ना आता, उसके बाद 5 पर आता है आपका भाषाई लिंग्विस्टिक, और छठा पर कौन आता है, कैरेक्टरिस्टिक चरित्र, ये जो होता है ना मेंटल, इसी को मानसिक भी बोलते हैं और इसी को हम लोग भावनात्मक भी बोलते हैं। तो संज्ञानात्मक का मतलब संवेगात्मक बोलते हैं, हाँ, मानसिक को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेगात्मक भी बोलते हैं, और ये संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है एक तरह से रिलेट करता है संज्ञान से, नहीं संज्ञान किससे रिलेट करता है, मेंटल से, मानसिक से, इसमें हमको सोचने समझने तर्क करने की सारी क्षमता का विकास हो जाता है इसमें, किसमें, इसी में। देखिएगा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उस समय उसका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो होता है वह पता है कितने ग्राम का होता है, 350 ग्राम का होता है। बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा रहता है, एकदम छोटा सिकुड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही जन्म होता है बढ़ना शुरू हो जाता है, नहीं तो जन्म होता है तो समय 3.5 केजी का होता है। जब बच्चा जो होता है किशोरावस्था में आ जाता है तो उसका मानसिक यानी मस्तिष्क का वजन जो होता है करीब करीब 1300 से 1400 ग्राम का हो जाता है, कितना, 1300 से 1400 ग्राम, ये 50 ग्राम इधर उधर रहता है, नहीं, और जनरली जो होते हैं ये क्रम चलता है संज्ञानात्मक का, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है। उसके बाद आगे हम बात करें तो बात करते हैं तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, मानसिक, तीसरा आएगा आपका मेंटल यानी मानसिक क्षेत्र, मानसिक मेंटल से रिलेटेड है, करेक्ट है। तो ये जो मेंटल होता है उसमें उसमें क्या होता है, मानसिक में क्या होगा, ये भी तो एक संज्ञान का ही ना पार्ट है, मेंटल क्या होता है, संज्ञान का ही पार्ट है, सोचना समझना सब जो इसी में आएगा, इसी का ना है। और तो संज्ञान का विकास होता है, आपने इसमें देखा कि मानसिक यानी मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम, और किसका, इसको ना इसमें कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, मानसिक में क्या होगा, जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क का वजन हो जाएगा 350 ग्राम, और जब युवा हो जाएगा किशोरावस्था में आ जाएगा तो लगभग इसका वजन हो जाता है कितना आपका, 1300 से लेके 1400 ग्राम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है सामाजिक, कौन क्षेत्र आता है, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, बच्चा सामाजिक कब बनना शुरू हो जाता है, तो बच्चा सामाजिक बनना शुरू हो जाता है जन्म के बाद, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद बच्चा जो होता है वह कैसा बनना शुरू हो जाता है, सामाजिक बनना शुरू हो जाता है, नहीं, और सामाजिकता की शुरुआत जो होती है कहाँ से होती है, घर से होती है, परिवार से होती है, और परिवार में भी कहाँ से होती है, माँ से होती है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण में जाता है, नहीं, आसपास के लोगों से मिलता है, ठीक है, और धीरे धीरे इसमें सामाजिकता का गुण भी आ जाता है, नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है भाषाई विकास। हर देखो जो भी क्षेत्र है ना उसको किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक के बिना दूसरे को
विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए सभी जो है से क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है, नहीं सभी एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। और इसका देखो, इसका सीखने का एक क्रम होता है, ठीक है। जैसे भाषा भी सीखा जाता है तो पहले क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद रीडिंग पढ़ते हैं, और लास्ट में राइटिंग यानी लिखने का क्रम होता है। सब एक क्रम से चलता है, LSRW, और हिंदी में सुबोपली कहा जाता है इसको। नहीं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। बच्चे में जो भाषाई विकास होता है वह शुरुआत होती है जन्म के समय, और सबसे ज्यादा बच्चे का भाषा विकास होता है तो वह किस में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कौन सा, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है। संज्ञान जो होते हैं ना, सोचना समझना तर्क करना, ये सब जो है आपका मेंटली पावर ही होता है, नहीं। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं नैतिक, ना इसको क्या बोलते हैं, नैतिक, या इसी का नाम है चारित्रिक, ठीक है। तो नैतिकता का विकास, यानी नैतिकता का मतलब होता है क्या, सही गलत के बीच के अंतर को, मोरल डेवलपमेंट, नहीं। तो यह जो होता है मोरल डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कब हो जाती है, बच्चे में नैतिकता कब आने लगता है, तो एक किशोरा अवस्था के आसपास में, यानी 12 वर्ष के बाद, कहो 12 वर्ष के बाद इसमें जनरली आना शुरू हो जाता है। नैतिक सही गलत के बीच वह अंतर को समझना शुरू कर देता है। तो ये है आपका, देखो नैतिक विकास के बारे में कोहल वर्ग भी बात करते हैं, नैतिक विकास के बारे में कोहल वर्ग जो है वह भी बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, जो हमारा विकास होता है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, हमारे विकास का जो क्षेत्र होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है उसको हम कितने भाग में पढ़ते हैं, दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है जो बोलते हैं बाल विकास, ना क्या बोलते हैं, बाल विकास, और एक होता है जिसको बोलते हैं मानव विकास। तो देखो बालक के विकास जो होता है ना, उसका जो स्टेजेज होता है, अवस्था कह दीजिए इसको, विकास की अवस्थाएं, नहीं विकास की अवस्थाएं, क्षेत्र तो छ है। तो बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती है और मानव के विकास की, तो बालक के विकास की ना जनरली चार अवस्थाएं, क्या अवस्था है, मानव के विकास की छह अवस्थाएं होती है, लेकिन हम लोगों को चार ही अवस्था पढ़ना है, नहीं। तो देखिये सबसे पहला कौन होता है, जनरली कहा जाता है प्रसव पूर्व अवस्था, जनरली कौन होता है, प्रसव पूर्व अवस्था। उसके बाद होता है शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था, और उसके बाद आती है बाल्यावस्था, बाल्या अवस्था, और उसके बाद किशोरा अवस्था। चूंकि 14 साल 15 साल के बच्चे तक ही ना अध्ययन किए थे, ठीक है। उसके बाद मानव विकास में अगर हम बात करें तो ये सारा वही रहेगा, प्रसव पूर्व अवस्था रहता है, इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद आप शैशवा अवस्था भी पढ़ेंगे, नहीं बाल्यावस्था भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, किशोरा अवस्था की भी बात करेंगे मानव विकास में। लेकिन चूंकि मानव का विकास की बात करेंगे मृत्यु तक ना, उसके बाद आ जाएगा कौन सा, एडल्टहुड, वयस्कता जिसको तुम बोलते हो ना, वयस्कता अवस्था ना, एडल्टहुड इसको बोलते हैं, और एक होता है वृद्धा अवस्था, इसी को ना प्रौढ़ अवस्था भी बोलते हो तुम लोग, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था, लास्ट में कौन अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था, और इसके बाद व्यक्ति मरणोपरांत तक चलता है, जिस समय मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, नहीं। तो ये था, आप आज हम देखे कौन सा, तो मानव विकास के क्षेत्र की बात की है, अगले क्लास में लेकर आऊंगा मानव विकास की अवस्था, तब तक जय हिंद। और ले पाकिंग